स्थापना की दूसरी सदी के नजदीक पहुंच रही भारतीय रेल मानो पहियों पर दौड़ता एक समाज है। देश की दिनचर्या में शामिल सवारी डिब्बे और रोजाना का सफर, यहाँ दिखता है असली भारत। कुछ नए तो कुछ जाने पहचाने चेहरे, जिनके लिए रेल का डिब्बा जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अनजान दोस्त बन जाते हैं। इसी भीड़ भाड़ में मनोरंजन और टाइम पास के साधन भी तलाश लिए जाते हैं। थोड़ी देर के ही सफर में देश से लेकर विदेश तक की राजनीति तक सब पर चर्चा हो जाती है। भारतीय रेल ने अपने सफर में तरक्की की नई मंजिलों को तय किया है। आम जन का सबसे सुलभ परिवहन बनी ये रेल आज बदलाव के दौर से गुजर रही है। स्टेशनों की साज सज्जा में आधुनिक तकनीक के साथ लोक कलाओं का समावेश इन्हें सबसे अलग बनाता है। भागते वक्त में समय की सबके पास कमी है, ऐसे में शहरों के बीच की दूरियां कम करना जरूरी है। अब 500 किलोमीटर तक दूरी के कई ऐसे शहर हैं जहां राजधानी दिल्ली से एक दिन में जाकर वापस लौटा जा सकता है। भारतीय रेल की शताब्दी ट्रेन्स आसपास के कई राज्यों की राजधानियों को देश की राजधानी से जोड़ती हैं। और अब तो भारतीय रेल के पास स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत भी है, जिसने कई धार्मिक केंद्रों तक कम समय में पहुंचना आसान कर दिया है। कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, मुंबई जैसे टूर की स्टेट कैपिटल का सफर भी अब राजधानी ट्रेनों ने 12 से 14 घंटे का कर दिया है। भारतीय रेल यात्री सुविधा की प्रतिबद्धता को निभाते हुए आगे बढ़ रही है।